सिंगरौली बेड़न थाना अंतर्गत अलग अलग दो चोरियों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप संडे, नगर पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर के मार्गदर्शन में पुलिस टीम गठित की गई। मुखबिर की सूचना पर दोनों चोरियों के 9 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कोतवाली पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। आरोपियों के पास से बरामद एक सबमर्सिबल पंप, 150 फीट केबल, एक AC, 2 सेलिंग फैन, एक कंप्यूटर मॉनिटर, एक CPU, एक प्रिंटर, एक प्रेस, गहने का एक बॉक्स, एक वाटर फिल्टर एवं कांच के बर्तन, कुल कीमत लगभग 1,50,000 रुपए का सामान जब्त कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। उक्त कार्रवाई में कोतवाली प्रभारी मनीष त्रिपाठी, उप निरीक्षक अश्विन शुक्ला, BP कोल, प्रधान आरक्षक अरविंद द्विवेदी, आरक्षक पंकज चौहान, जितेंद्र सेंगर, महेश पटेल, श्याम सुंदर वैश्य, प्रवीण सिंह, सुनील सिंह की अहम भूमिका रही। बर्दाश्त किया है, इसमें पूरा कोतवाली की टीम ने काफ़ी प्रयास किया है, उसके बाद में मामला ट्रेस हो पाया है। लगभग 1.5 लाख रुपए का मसरूका हमने बरामद किया है। 2 मामले इसमें खुलासा हुआ, एक मामले में सबमर्सिबल पाइप वगैरह, पंप वगैरह इसमें चोरी का बरामद किया गया है, और दूसरे मामले में हमने कंप्यूटर और उससे रिलेटेड जो सामग्री होती है और AC वगैरह ये जब्त किया है। टोटल मिलाकर के 9 आरोपी है, 9 आरोपियों से सामग्री जब्त की गई है। इन्होंने अलग अलग घटना को अंजाम दिया था, वीडियो बना करके, और इनको आज GR पेश किया गया। सर, ये जो आरोपी हैं इनमें से कोई पुराने गिरोह का भी कोई आदमी है सर? हाँ, 2 आदमी हैं, 2-3 आदमी इसमें पुराने गिरोह के हैं अभी, और हम लोग इनसे पूछताछ करेंगे आगे, और जो भी खुलासा होगा आप लोगों को बताएंगे। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।